दरवाजे के सामने माई पंखी किसी मुजस्मे की तरह इस्तादा थी। खूब अंधेरे में माई पंखी के चेहरे पर रोशनी पड़ी तो चंद लम्हों के लिए दिलदार की समझ में ना आया कि इसके सामने कौन खड़ा है। काले लिबास में माई पंखी अंधेरे का हिस्सा थी, फिर इसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो सामने वाले को खौफ में मुबतला कर देती थी। ओए रब नवाज, देख कोई जाने ना पाए, दिलदार ने चिल्ला कर कहा। सर जी आप फिक्र ना करें, रब नवाज अपने चेहरे पर होती जलन की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ा और दिलदार बख्श माई पंखी का जायजा लेने लगा। ये मकान ही कितना बड़ा था। दो चार मिनट के बाद रब नवाज पूरे मकान की तलाशी लेकर आ गया और बोला, सर जी घर में तो चिड़िया का बच्चा भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है। दिलदार बख्श ने माई पंखी के चेहरे पर टॉर्च डालते हुए कहा, ओए काली माई किधर गए जुआरी, हमें पता चला है कि तू जुए का अड्डा चलाती है। ओ काका तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, तू जरा मेरी उम्र देख और अपना इल्ज़ाम देख, माई पंखी ने बड़ी बुर्दबारी से कहा। अच्छा, दिलदार बख्श ने एक मरतबा फिर इसका ऊपर से नीचे तक जायजा लिया। उसने बड़े मुजरिम देखे थे लेकिन माई पंखी इसके गले से नहीं उतर रही थी। वो रब नवाज से मुखातिब हुआ, तू जरा इस काली माई का ध्यान रख, मैं खुद घर का जायजा लेता हूँ। दिलदार बख्श ने घर का चप्पा चप्पा देख डाला लेकिन घर में बंदा बशर तो दूर की बात है, कोई मशकूक चीज भी ना मिली। रब नवाज तुम्हारी रिपोर्ट कच्ची निकली। दिलदार बख्श ने माई पंखी के सामने खड़े अपने मातहत रब नवाज से मुखातिब होकर कहा, सर जी मेरी रिपोर्ट पक्की थी। रब नवाज ने पूरे एतमाद से कहा, यहाँ मशकूक लोगों का आना जाना है, चलो फिर उठाओ इस माई को थाने ले चलो। दिलदार बख्श हुक्म देता हुआ बाहर निकल गया। चल माई मेरे साथ, रब नवाज बोला। मेरा कसूर क्या है, माई पंखी ने पूछा। अपना कसूर तू खुद ही बताएगी, पता नहीं तुझे बुढ़ापे में क्या सूझी है। रब नवाज ने उसकी कलाई पकड़ी और खींचता हुआ बाहर ले चला। काका मेरा हाथ छोड़ दे, माई पंखी ने कहा, देख मेरी बात सुन। माई अब तेरी बात थाने चलकर सुनूंगा। रब नवाज इसकी कलाई पकड़े दरवाजे तक ले आया। एक मिनट मेरी बात सुन ले, माई पंखी ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की। चल बोल, कुछ पैसे वैसे की पेशकश करना चाहती है तू, रब नवाज हंस कर बोला। नहीं, मैं तुझे एक ऐसी बात बताना चाहती हूँ जिसे सुनकर तेरी सिट्टी गुम हो जाएगी। तेरी रिपोर्ट तो कच्ची निकली, अब तू मुझसे अपने बारे में पक्की रिपोर्ट सुन। माई पंखी ने यह बात कुछ इस अंदाज में कही कि दिलदार बख्श गाड़ी में बैठता बैठता रुक गया, वापस पलट आया। हैं माई, तू तो पुलिस वालों की भी बाप निकली, रब नवाज जरा इसकी रिपोर्ट तो सुन, अगर पक्की निकले तो इसे अपना मुखबिर बना लेना। दिलदार बख्श तफरीही मूड में आ गया। ठीक है सर जी, रब नवाज ने कहा, फिर माई पंखी से मुखातिब हुआ। चल माई अपनी रिपोर्ट पेश कर, पहले मेरा हाथ छोड़, माई पंखी ने कहा। ये ले, रब नवाज ने उसका हाथ छोड़ दिया। भागने की कोशिश मत करना। मैं बुढ़िया कहाँ भागूंगी, ये मेरे भागने की उम्र है क्या, माई पंखी बोली। अच्छा माई हमारा वक्त ना जाया कर, जो बोलना है जल्द बोल, दिलदार बख्श ने मदाखलत की। तुम्हारी दो बीवियाँ हैं, माई पंखी ने रब नवाज से पूछा। हाँ हैं, तो इस बारे में सारी दुनिया जानती है, रब नवाज ने अपनी मूछों पर ताव देते हुए कहा। काका क्या तू अपनी छोटी बीवी के बारे में कुछ जानता है। हाँ मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरी बीवी है वो, रब नवाज ने किसी कदर तलखी से कहा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है। तेरी छोटी बीवी के बारे में मैं जो कुछ जानती हूँ क्या वो इन सबके सामने बता दूँ या अकेले में सुनेगा, माई पंखी ने सवाल किया। ना ऐसी क्या बात है, तू सबके सामने बोल, रब नवाज ने मुतफक्कर लहजे में जवाब दिया। काका फिर सुन, तेरी बीवी का नाम तबस्सुम है, तूने इसे धर्मपुरे में रखा हुआ है, शादी को एक साल हुआ है, वो तन्हा रहती है, शादी की है तो इसके साथ रह, तन्हाई इसके लिए जहर है, इसके अंदर आग भरी है, बाज औरतें सिर्फ शरीर होती हैं जिस्म होती हैं, हर वक्त शोलों में घिरी रहती हैं काका, एक बुरा फायर ब्रिगेड भी उनकी आग नहीं बुझा सकता, जाकर देख कि वो इस वक्त क्या कर रही है। अब क्या पड़ोस में रहने वाले उस लड़के का नाम भी बताना पड़ेगा, चल बताए देती हूँ, फैयाज है उसका नाम, माई पंखी इतना कहकर खामोश हो गई। इसके इस इंकशाफ ने ASI रब नवाज के तन बदन में आग लगा दी। इतने लोगों के सामने इसकी सख्त तौहीन हुई थी। वो भिन्ना के बोला, सर जी आप इस बुढ़िया को लेकर थाने चले, मैं जरा घर का चक्कर लगा कर आता हूँ, अगर इसकी रिपोर्ट कच्ची निकली तो फिर मैं थाने आकर इसका गला दबाऊंगा।
ओए रब नवाज, तुम किसके चक्कर में आ रहे हो? ये बुढ़िया मुझे एक नंबर की चलत्तर लगती है। दिलदार बख्श ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझा नहीं, समझ भी नहीं सकता था। माई पंखी ने जो बातें की थी वो 100% सही थी। बस अब इसकी आखिरी बात की तस्दीक बाकी थी, लिहाजा वो रुका नहीं। इसने मोटरसाइकिल दबाई और तफ्तीश पर निकल गया। चल माई, दिलदार बख्श ने रबनवाज के जाने के बाद कहा, तूने खुद को मुश्किल में डाल लिया है। माई पंखी ने कोई जवाब ना दिया, वो खामोशी से उसके साथ चल दी। दिलदार बख्श को इस बुढ़िया ने मखमसे में डाल दिया था। रबनवाज की रिपोर्ट के मुताबिक माई पंखी के घर में 20-25 आदमी मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ से चिड़िया का बच्चा भी बरामद नहीं हुआ था। अगर वो इसके घर में मौजूद थे तो वो कहाँ गायब हो गए, या फिर रिपोर्ट गलत थी? लेकिन रबनवाज अपनी रिपोर्ट पर मुसर था कि पक्की है। थाने पहुंचकर दिलदार बख्श ने इसे 2 सिपाहियों की तहवील में दिया कि इसे कमरे में बिठाएं और निगरानी रखें। फिर वो अपने काम निपटाकर इस कमरे में आया जहां माई पंखी बैठी थी। कमरे की रोशनी में दिलदार ने माई पंखी को ऊपर से नीचे तक बगौर देखा। माई पंखी के चेहरे पर इसे कोई घबराहट या परेशानी नजर नहीं आई। वो इससे कोई सवाल करने वाला था कि माई पंखी ने पहल कर दी। वो बोली, काका तू मुझे यहाँ क्यों लाया है? हमें तेरे खिलाफ रिपोर्ट मिली थी, मैं तुझे बता चुका हूँ तेरे घर में मशकूक लोगों का आना जाना है। इस वक्त भी आदमियों की मौजूदगी मुखबरी हुई थी, क्या वो लोग हमारे आने से पहले जा चुके थे? क्या तुझे पुलिस की आमद की इत्तला हो गई थी? दिलदार बख्श ने सवाल किया। काका तेरे लोगों ने, खुद तूने मेरा पूरा घर छान मारा, मेरे घर में कोई होता तो मिलता ना? माई पंखी ने इसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। माई तू इस तरह नहीं उगलेगी, रब नवाज आ जाए जरा, फिर तुझे सीधा करता हूँ। दिलदार गुस्से से बोला, हाँ कर ले इंतज़ार, मैं बैठी हूँ, जब वो आएगा तो तू मुझे छोड़ने और उसे हथकड़ी डालने पर मजबूर हो जाएगा, माई पंखी ने पूरे यकीन से कहा। दिलदार ने उसे सख्त नज़रों से देखा, ज़्यादा बकवास न कर, मुझे तो कोई पागल औरत मालूम होती है, रब नवाज ने ख्वामखा मेरा वक्त ज़ाया किया। ये कहकर वो खड़ा हो गया। फिर इसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बुढ़िया को लॉकअप में डाल दो और खुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसे शिद्दत से रब नवाज का इंतज़ार था। 4 बजे के करीब रब नवाज थाने की हदूद में दाखिल हुआ। इसने मोटरसाइकिल दीवार के साथ खड़ी की और फिर मरे कदमों से चलता दिलदार बख्श के कमरे में दाखिल हुआ। हाँ रब नवाज, क्या हुआ? दिलदार ने बेकरार होकर पूछा। बहुत कुछ हो गया सर जी, रब नवाज ने इंतहाई दुख से कहा। क्या मतलब, तेरी तबीयत तो ठीक है? रब नवाज ने कंधे से रिवॉल्वर उतारा, कमर से अपनी पेटी निकाली। पेटी और रिवॉल्वर उसने दिलदार बख्श की मेज पर रखा और बोला, खेल ख़त्म हो गया, वो माई बिल्कुल सच्ची निकली, बड़ी पक्की रिपोर्ट दी उसने। हुआ क्या, कुछ बोल तो, दिलदार बख्श परेशान होकर बोला। सर जी मैं दोनों को मार आया हूँ, रब नवाज ने शिद्दत गम से कहा। आप मुझे गिरफ्तार कर लें, हथकड़ी डाल दें मेरे हाथों में, मैंने 1 नहीं 2 खून किए हैं। सर जी मेरी बीवी बेवफा निकली, मैं जब घर में कूदा तो वो दोनों बेखबर सो रहे थे, मैंने सोते में ही दोनों को गोली मार दी। ये तूने क्या किया रब नवाज, क्या तू जानता नहीं कि फांसी चढ़ जाएगा? जानता हूँ सर जी, अच्छी तरह जानता हूँ, पर क्या करूँ, इन्हें देखते ही मेरे दिमाग में आग लग गई। मेरी बीवी पड़ोस के लड़के फयाज की गर्दन में बाहें डाले सो रही थी सर जी, वो दोनों बेलिबास थे सर जी, मैं उन्हें कैसे ना गोली मारता? रब नवाज गुस्से से कांप रहा था। रब नवाज तूने वारदात कर दी थी तो फिर पलट कर यहां नहीं आना चाहिए था, अपनी पेटी और रिवॉल्वर उठा और जा, निकल जा, दिलदार बख्श ने मशवरा दिया। आपका शुक्रिया सर जी, रब नवाज एहसानमंदी से बोला, पर मैं भागूंगा नहीं, चाहे मुझे फांसी हो या उम्र कैद। इस बुढ़िया का क्या करूं, इसकी एक एक बात सच निकली, इसने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं तुम्हें हथकड़ियाँ लगाने और इसे छोड़ने पर मजबूर हो जाऊँगा, दिलदार बख्श ने बताया। सर जी इसे छोड़ दें, वो तो कोई बहुत पहुँची हुई चीज़ मालूम होती है। मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि इस घर में मौजूद आदमी कहाँ गायब हो गए, या फिर तुम्हारे मुखबर की इतला गलत थी। दिलदार बख्श की सुई गायब होने वाले आदमियों पर अटकी हुई थी। इतला तो ठीक थी, रब नवाज बोला, तो फिर इस बुढ़िया को 2-3 दिन हवालात में रखते हैं और दिन की रोशनी में घर का जायजा लेते हैं। मुझे लगता है इसके घर में कोई खुफिया रास्ता है, हमारे वहां पहुंचते ही इसने खुफिया रास्ते से उन्हें बाहर कर दिया, दिलदार बख्श ने कहा। मेरी माने तो इसे छोड़ दें, एक मरतबा फिर इसकी निगरानी कराएं, सही रिपोर्ट पर छापा मारें, रब नवाज ने उसे समझाने की कोशिश की। वो बुढ़िया मुझे खतरनाक लगती है,
इसके बाद ज़रूर कोई काला इल्म है, इसने मेरे बारे में जो बताया सच बताया। नहीं रब नवाज, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं देखता हूँ इस जादूगरनी को, दिलदार बख्श ने फैसला कुल अंदाज में कहा। लेकिन दिलदार बख्श अपने फैसले पर कायम न रह सका। सुबह होने तक थाने में ऐसे हंगामी हालात पैदा हो गए कि किसी की समझ में न आया कि आखिर हुआ क्या है। माई पंखी हवालात में बंद थी, इस वक्त इसके अलावा कोई और अंदर न था। माई पंखी फर्श पर लेटी हुई थी, उसने अपना एक हाथ आंखों पर रखा हुआ था, बाहर एक सिपाही पहरे पर था। उजाला फैलते ही कौओं की चीखने की आवाज़ें आने लगीं, फिर दो तीन कौवे काएं काएं करते राहदारी में आए और उड़ते हुए कमरे हवालात में दाखिल हो गए जहां माई पंखी बंद थी। अभी 5-7 मिनट गुजरे होंगे कि पूरा लॉकअप कौओं से भर गया। माई पंखी आंखों पर हाथ रखे आराम से लेटी थी, जबकि कई कौवे इसके ऊपर भी मौजूद थे। सिपाही परेशान होकर दिलदार बख्श के कमरे में पहुंचा और घबरा कर बोला, सर जी हवालात में बेशुमार कौवे भरे हुए हैं और वो बुढ़िया आराम से लेटी है, पता नहीं कहीं मर तो नहीं गई। दिलदार बख्श सिपाही के साथ बाहर निकला तो थाने की फिजा ही बदल चुकी थी। पूरे थाने में कौवे भरे हुए थे और इनकी काएं काएं के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दिलदार बख्श सिर पर हाथ रखे खुद को बचाता लॉकअप तक आया। माई पंखी बड़े आराम से अभी तक आंखों पर हाथ रखे लेटी थी। कौवे इसके पूरे बदन पर कूदते फिर रहे थे। ओए ये मर तो नहीं गई, दिलदार बख्श ने माई पंखी पर नजर डालते हुए कहा, ताला खोल। सिपाही ने हवालात का ताला खोला। दरवाजा खुलते ही कौओं ने चीख चीख कर पूरे थाने को सर पर उठा लिया। वो इधर से उधर उड़ते फिर रहे थे। दिलदार बख्श हाथ में मौजूद रोल घुमाता हुआ अंदर पहुंचा और चीख कर बोला, ओ माई उठ। माई पंखी ने अचानक अपनी आंखों से हाथ उठाया और इस तरह उठकर बैठ गई जैसे वो इसकी आमद की मुंतजर थी। उसने अपनी सुर्ख आंखों से दिलदार बख्श को देखा और उठकर खड़ी हो गई। ये क्या मुसीबत है, ये कौवे कहाँ से आ गए? दिलदार बख्श चीख कर बोला, काका मुझे क्या मालूम, तू इनसे पूछ ले। माई पंखी ने हवालात के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, क्या मैं अब जाऊँ? हाँ माई तू जा, लेकिन पहले इनसे हमें निजात दिला, दिलदार बख्श ने कौओं से अपना बचाव करते हुए कहा। अच्छा, माई पंखी ने राहदारी में खड़े होकर ऊपर की तरफ देखा और बोली, बस बग्गा इन्हें ले जा। माई पंखी के इतना कहने के बाद मुश्किल से 2-3 मिनट लगे होंगे कि थाने की फिजा एकदम साफ हो गई। वहाँ कोई कौवा रहा ना कोई कौवे का बच्चा। कौओं के फिजा में मादूम होने के बाद दिलदार बख्श ने गहरा सांस लिया, माई पंखी को गहरी नज़रों से देखा और बोला, तू कोई जादूगर नहीं है क्या, तूने फिर इल्ज़ाम लगाया मुझ पर? माई पंखी ने इसे खशमगी निगाहों से देखा। चल मुझे घर छोड़ कर आ। दिलदार बख्श अंदर से इतना खौफजदा हो गया कि अब उसमें हिम्मत न थी कि उसे रोक लेता। वो बनफसे नफीस इसे इसके घर छोड़ कर गया और ऐसा पहली बार हुआ था कि पुलिस ने किसी मुलजिम को बाइज्जत तरीके से घर पहुँचाया हो। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। माई पंखी पुलिस वैन से उतरी तो गली के लोगों ने हैरत से देखा, लेकिन किसी में हिम्मत ना थी कि वो इससे कोई सवाल करता। सब इंस्पेक्टर दिलदार बख्श इसके साथ घर के अंदर आया। पूरे सहन में नीम की जर्द पत्तियां बिखरी हुई थी। नीम के दरख्त पर बैठे कौवे काएं काएं कर रहे थे। कौओं की आवाज़ सुनकर दिलदार बख्श की आंखों के सामने थाने का मंजर घूम गया। इसने घबरा कर माई पंखी की तरफ देखा, वो पूरे इत्मीनान से सहन में पड़ी चारपाई पर बैठ चुकी थी। इसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर न था। इसे इस बात का एहसास भी न था कि इसके साथ दिलदार बख्श आया है और वो पुरतजस्सुस नज़रों से सहन का जायज़ा ले रहा है। फिर उसने एक नज़र बावर्ची खाने में झांका। बावर्ची खाने के मुकाबले आखिरी सिरे पर बने गुसल खाने और बैतुलखला को भी अंदर से देखा। फिर वो अंदर चला गया, कमरों का अच्छी तरह जायज़ा लिया। बिल आखिर वो इसी नतीजे पर पहुँचा कि इस घर में बाहर जाने का रास्ता एक ही है। अभी तक इसका जहन इस गुत्थी को सुलझाने में मुनहमिक था कि छापे के वक्त इस घर में 20-25 मर्द और औरतें मौजूद थीं। वो आखिर किस रास्ते से फरार हुए? ये बात इसके दिमाग में किसी कील की तरह गड़ गई थी। काका तो कुछ परेशान है, माई पंखी ने इसके चेहरे पर नजरें गाड़ कर कहा। माई अगर तू ये बात मुझे बता दे कि इस घर में मौजूद बंदी बंदियाँ किस तरह बाहर गए तो मैं तुझे भूल जाऊँगा, दिलदार बख्श ने मुफाहिमाना अंदाज में कहा। बता दूंगी काका, परेशान क्यों होता है, तू मुझे भूल जाना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू मुझे भूले, आते जाते रहना। माई पंखी चारपाई से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिलदार बख्श को ये बात समझने में देर न लगी कि वो क्या चाहती है। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकलते हुए बोला, माई मैं फिर आऊँगा। माई पंखी ने कोई जवाब ना दिया।
अपनी चमकीली आंखों से इसे एक नजर देखा और दोनों किवाड़ बंद करके पत्थर लगा दिया। दरवाजे से पलटते ही एकदम इसे भूख का एहसास हुआ। वो मिट्टी की हंडिया उठाकर बाहर लाई, नलके के नीचे रखकर इसने महज पानी से खंगाला, फिर इसमें पानी भरा, बावर्ची खाने में पहुंचकर चूल्हे पर रखा। कुछ डब्बों से इसने थोड़ी थोड़ी कई चीज़ें निकालकर हंडिया में डाली और चूल्हा जला दिया और पीढ़ी पर बैठ गई। अंजू, उसने पीढ़ी पर बैठे बैठे आवाज़ लगाई। वो चाहती थी कि अंजू जल्द कौवा पकड़ कर लाए, इसकी भूख आखिरी हदों को छू रही थी। कुछ लम्हे इंतज़ार करने के बाद उसने फिर आवाज़ लगाई, अंजू। लेकिन अंजू नहीं आई। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि माई पंखी ने इसे आवाज़ दी हो और वो फौरन इसके सामने ना आई हो। माई पंखी घबरा कर उठ खड़ी हुई। वो बावर्ची खाने से बाहर आई और उसने छत की तरफ देखते हुए जोर से आवाज़ दी, अंजू। अंजू घर में होती तो आती। गुलशन 13D के जिस मकान का डॉक्टर नौशाद ने पता बताया था, इस तक पहुंचना कोई मुश्किल काम न था। आबिर ने बासानी मतलूबा मकान को ढूंढ निकाला। दरवाजे पर डॉक्टर नौशाद की नेम प्लेट नसब थी, नाम के साथ होम्योपैथी की डिग्री दर्ज थी। ये घर जिसमें अब डॉक्टर नौशाद क़याम पजीर था, चंद साल कबल ही किसी बेवा की मिल्कियत था। वो बेवा औरत डॉक्टर नौशाद की दूर की अजीज़ा थी। डॉक्टर ने अपनी चिकनी चिपड़ी बातों से उसे आराम किया और बहैसियत किराएदार इस मकान में रिहाइश पजीर हुआ। एक साल के अरसे में वो बेवा चल बसी। इसका कोई वाली वारिस न था। डॉक्टर नौशाद पहले ही मकान पर काबिज़ था। इसके मरते ही जालसाजी से ये मकान अपने नाम करा लिया। इस तरह लाखों का मकान एक कोड़ी दिए बगैर इसका हो गया। डॉक्टर नौशाद जालसाजी का माहिर था। होम्योपैथी की डिग्री भी इसके पास जाली थी। इसने एक इदारे से खतो किताबत पर मबनी होम्योपैथी का कोर्स कर रखा था। घर पर ही इसने कोने में होम्योपैथी की दवाएं रख छोड़ी थी। इस घर में कोई मरीज आता था ना डॉक्टर किसी को कोई दवाई देता था। इसकी आमदनी का जरिया क्या था, ये बात किसी को मालूम न थी। डॉक्टर नौशाद खुद भी अपने बारे में ये बात यकीन से नहीं कह सकता था कि इसका जरिए माश फलां चीज़ है। वो वसी ताल्लुकात रखता था, चर्ब जबान और खुशामदी था। सामने वाले की ज़रूरत समझकर इसकी ज़रूरत पूरी करना इसकी ज़िंदगी का मकसद था। इस हाजत रवाई के एवज़ अपना उल्लू सीधा करना इस शख्स को खूब आता था। किसको किस तरह कैश किया जा सकता है, इस आर्ट से वो अच्छी तरह वाकिफ था। अब इसने आबिर पर जाल डाला था। घंटी की आवाज़ सुनते ही वो बजाते खुद गेट पर आया। गेट खोला तो सामने आबिर खड़ा नजर आया। वो बड़े तपाक से उससे मिला, गले से लगाया और इसके बरवक्त पहुंचने की तारीफ की और इसका हाथ पकड़कर बड़ी अपनाइयत से घर के अंदर लाया। अरे भाई चांदनी, देखो तो आबिर आए हैं। डॉक्टर नौशाद ने दूर ही से आवाज़ लगाई। चांदनी कहीं से निकल कर फौरन सामने आई। आबिर ने उसे देख कर सलाम किया और इसके आगे सर झुका दिया। चांदनी ने इसके सर पर हाथ रखने की बजाय कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, आबिर माशाल्लाह बड़े प्यारे लग रहे हो। शुक्रिया आंटी, आबिर अपनी पजीराई पर खुश हुआ। अरे लड़कियों चलो बाहर आओ, देखो कौन आया है। कौन आया है अम्मी, सबसे पहले दौड़ती हुई शाइस्ता आई। ओह आबिर भाई आए हैं। शाइस्ता के बाद एक एक करके सब लड़कियाँ बाहर आ गईं। नहीं आई तो मलिका, जिसे देखने के लिए वो तड़प रहा था और जिससे मिलने की आरज़ू उसे यहाँ तक खींच लाई थी। अरे भाई क्या आबिर मियाँ को बाहर ही खड़ा रखोगे, इन्हें ड्राइंग रूम में बिठाओ, डॉक्टर नौशाद बोला। नहीं अबू, हम लाउंज में बैठेंगे, ड्राइंग रूम में तो गैरों को बिठाया जाता है, शाइस्ता ने बड़ी अपनाइयत से कहा। अच्छा बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी, डॉक्टर नौशाद अंदर जाते हुए बोला। बाप के वहाँ से हटते ही शाइस्ता एंड कंपनी ने आबिर को अपने हिसार में ले लिया और इसे लेकर लाउंज की तरफ बढ़ी। जब ये लड़कियाँ इसे लिए लाउंज में दाखिल हुई तो सामने नजर पड़ते ही आबिर का दिल शिद्दत से धड़कने लगा। वो कयामत इसके सामने खड़ी थी, खुले बाल, मेकअप से आरी चेहरा, सादा से कपड़े। यूं लगता था जैसे कुछ देर कबल नहा कर निकली हो। वो सादा कपड़ों में बगैर मेकअप के भी जगमगा रही थी, जबकि दीगर बहनें खसूसन शाइस्ता और फाखरा खूब बनी ठनी और जदीद तराश खराश का लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए थी। इसके बावजूद इनके हुसन के चांद बुझे हुए थे। आबिर खड़ी हुई कयामत की तरफ तेजी से बढ़ा। मलिका पर इसकी निगाहें जमी थीं। इस वक्त इसके सिवा इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो इसके करीब पहुंचकर ठहर गया। बात करने से ज्यादा इसे नजरों में भरने से दिलचस्पी थी, लेकिन इतने ढेर सारे लोगों में इस पर नजरें जमाना आसान न था। लिहाजा वो रस्मन बोला, कैसी है मलिका? जी मैं ठीक हूँ, मलिका ने धीरे से कहा। लो जी आपी,
फाखरा शाइस्ता से मुखातिब होकर बोली, आबिर को अभी तक यही नहीं मालूम हुआ कि मलिका कैसी है। अरे जनाब, सब जानते हैं कि हम बहनों में वो सबसे अच्छी है। फाखरा, शाइस्ता ने इसके चुटकी लेने पर तिरछी नज़रों से देखा। ओके आपी, फाखरा ने सर झुकाते हुए कहा। आबिर बेटा, बहुत अच्छा लगा कि तुम हमारे घर आए। चांदनी ने मुस्कुराते हुए इसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। आंटी, मुझे खुद यहाँ आकर बेइंतहा खुशी हुई, आबिर ने सोफे पर बैठते हुए कहा। और मुझे बड़ा रंज है कि इन लोगों ने आपको बुलाने में इतनी देर क्यों की, डॉक्टर नौशाद ने लाउंज में दाखिल होते हुए कहा। कोई बात नहीं अंकल, आबिर मलिका की तरफ देखते हुए बोला। शाइस्ता, भाई को घर दिखाओ। चांदनी का लहजा मायने खेज था, जिसे शाइस्ता ने तो समझा लेकिन आबिर की समझ में कुछ ना आया। आइए आबिर भाई, शाइस्ता ने आबिर को इशारा किया, हम आपको अपना गरीब खाना दिखाएं। मलिका आओ। आबिर के लिए आखिरी बात बहुत अहम थी, वो फौरन खड़ा हो गया। आबिर का ख्याल था कि बकिया बहनें भी साथ निकलेंगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। शाइस्ता और मलिका के सिवा कोई ना उठा। शाइस्ता ने सबसे पहले अपना कमरा दिखाया, इस कमरे में मलिका भी इसके साथ रहती थी। ये दरमियाने साइज का अच्छा सजा सजाया कमरा था। आबिर भाई, ये है हमारा नशीमन, शाइस्ता ने हंसते हुए कहा। जबरदस्त, आबिर पुरजोश अंदाज में बोला। बैठें, मलिका ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। बैठेंगे, पहले इन्हें पूरा घर दिखा दें वरना अम्मी चीखेंगी, शाइस्ता ने कहा। मलिका, आपके पास मोबाइल नहीं है, आबिर ने अचानक सवाल किया। इससे कबल कि मलिका कोई जवाब देती, शाइस्ता बोली, आबिर भाई बस कुछ ना पूछें, ये मोबाइल की दुश्मन है। अभी तक 4-5 मोबाइल गुम कर चुकी है या तोड़ चुकी है। अब्बू ने दुबई से एक आला मोबाइल इसको ला कर दिया है। कोई नहीं आपी, मलिका ने एहतजाज तो किया लेकिन इसमें जोर नहीं था। शाइस्ता अभी जवाब देने की तैयारी में थी कि फाखरा अंदर दाखिल हुई और बोली, आपी, अम्मी बुला रही हैं। अच्छा, शाइस्ता तीर की तरह कमरे से निकल गई। आबिर का ख्याल था कि शाइस्ता की जगह फाखरा ले लेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ, फाखरा भी उसके साथ चली गई। ये एक ज़बरदस्त मौका था, मलिका कमरे में तनहा रह गई थी। पता नहीं ये मौका कसीदन अता किया गया था या फिर ऐसा गलती से हुआ था, जो भी था इस अता से फ़ायदा उठाया जा सकता था। मलिका, तुमसे बात करनी मुश्किल हो गई है, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए। अच्छा, मैं ले लूँगी, मलिका ने लापरवाही से कहा। मलिका, मैं तुम्हें देखे और तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता, आबिर बेताबाना लहजे में बोला। मुझे तुम्हारे बारे में क्या जानना चाहिए जो मैं नहीं जान सका, मुझे बताओ, इस दिन बात पूरी नहीं हो सकी थी। बात तो अब भी पूरी ना हो सकेगी, बस कोई आया ही चाहता है, मलिका ने दरवाजे की तरफ देखा। फिर हम कहाँ मिलें और कैसे मिलें? कॉलेज के गेट पर, मलिका ने रास्ता दिखाया। आबिर ये सुनकर खुश हो गया, इसने फौरन कॉलेज का नाम और वक्त पूछ लिया। इससे कबल के दोनों में मजीद कोई बात होती, शाइस्ता और फाखरा दोनों बातें करती हुई अंदर दाखिल हो गईं। अरे मलिका, तुम यहीं बैठी हो, हम समझ रहे थे कि तुमने पूरा घर दिखा दिया होगा। नहीं आपी, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। गुड गर्ल, फाखरा ने खुशी का इजहार किया। फिर तीनों ने इसे अपना घर दिखाया। आबिर को अब इस घर से दिलचस्पी ना रही थी, वो यहाँ मलिका के लिए आया था, उसे देख लिया था और आइंदा मुलाकात की राह भी साफ हो गई थी। बहरहाल यहाँ आया था तो रस्म तो निभाना थी। वो इनके साथ हंसी खुशी महवे खराम रहा, खूब सैर होकर खाना खाया, मज़े की कॉफ़ी पी और अपने घर की राह ली। वो देर गए घर पहुँचा, घंटी बजाने पर जिसने दरवाज़ा खोला इसे देखकर वो एकदम सहम गया। ये तुम्हारे घर आने का वक्त है, अली निसार ने लहजा सख्त किए बिना कहा। जी अब्बू, देर हो गई, वैसे मैं अम्मी को बता कर गया था, आबिर ने नाजनीन की तरफ मदद तलब नजरों से देखा जो अली निसार के पीछे खड़ी थी। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो, अली निसार ने पूछा। अब्बू, एक दोस्त के यहाँ से आ रहा हूँ, उसने खाने पर बुलाया था, मुझे ज़रा इसका नंबर देना, इस वक्त रात के 2 बजे हैं, ये खाने का कौन सा वक्त है, अली निसार के लहजे में अब गुस्सा दर आया। अच्छा, बात कर लीजिएगा, नाजनीन ने मामला संजीदा होते देख कर मदाखलत की। अभी आपका ज़माना तो है नहीं कि अपने वक्त पर डिनर ख़त्म हो जाए, ये नई पौध है, इसे इस वक्त की कदर है ना इदराक। आबिर, तुम आइंदा इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहोगे, सुन लिया तुमने, अपने तमाम मनहूस दोस्तों को बता देना। जी अम्मी, आबिर ने इंतहाई फर्माबरदारी से कहा, और इस तरह नाजनीन ने अपने तदब्बुर से आबिर के सर पर घूमती शामत को टाल दिया। लेकिन ये मसला ज़्यादा दिन टलने वाला ना था, अली निसार संजीदा हो चुके थे, वो आबिर को मज़ीद वक्त देना नहीं चाहते थे,
इन्हें आबिर की लेलो नहार का बिल्कुल पता न था, बस वो इतना ही समझ रहे थे कि वो लाओ वाली तबीयत एक सुस्तुल वजूद लड़का है, जब तक इसके गिर्द घेरा तंग नहीं किया जाएगा इसके सुधरने के इम्कान नहीं। यही वजह थी कि उन्होंने बराहे रास्त बातपूछ शुरू कर दी। एक दिन आमिर ने मलिका के बताए हुए वक्त पर कॉलेज का चक्कर लगाया। ये छुट्टी का वक्त था, लड़कियां तेजी से कॉलेज के गेट से बाहर आ रही थीं। आबिर वहां काफी देर तक खड़ा रहा लेकिन मलिका उसे नजर नहीं आई। शायद वो आज कॉलेज आई ही नहीं थी। उसने वहीं खड़े खड़े शाइस्ता को फोन किया। इधर उधर की बातों के बाद मलिका का जिक्र छेड़ा। शाइस्ता ने बताया कि आज वो कॉलेज नहीं गई, इसकी तबीयत खराब है। क्या हुआ, आबिर ने फिक्रमंदी से पूछा। अरे ऐसी कोई खास बात नहीं, नज़ला वगैरह है, नज़ले में थोड़ा बहुत बुखार तो हो ही जाता है, शाइस्ता ने बेनियाजी से जवाब दिया। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया वो बोली, हाँ वो अब्बू आपके बारे में पूछ रहे थे, शायद वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। कोई ख़ास बात, आबिर की छठी हिस्स जागी। मुझे क्या पता, शाइस्ता ने कुछ इस अंदाज में कहा कि आबिर मशकूक हो गया। बताए ना, आपको सब पता है। मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा है कि किसी दिन आबिर को चाय पर बुलाओ, शाइस्ता इतना कहकर हंसी। अच्छा ठीक है, बताएं कब आऊं, नेक काम में भला देर किस बात की, आज ही शाम में आ जाएं। इस वक्त आप कहाँ हैं? जी घर पर हूँ, आबिर ने पूरे यकीन से झूठ बोला। ये आसानी मोबाइल फ़ोन की फराहम करता थी। चलें फिर पक्का शाम को आ रहे हैं आप, शाइस्ता ने कहा। ठीक है, आबिर ने फौरन हामी भर ली। डॉक्टर नौशाद ने शाम को चाय पर बुलाकर आबिर से जो कुछ कहा वो इसके लिए इंतहाई खुशकुन था। लेकिन उसी रात खाने पर अली निसार ने आबिर से जो कुछ कहा इसे सुनकर आबिर की सिट्टी गुम हो गई। अंजू घर में नहीं थी, आखिर वो कहाँ गायब हो गई थी। माई पंखी ने पूरा घर छान मारा, घर ही कितना बड़ा था, दो कमरे और एक सहन। उसने एहतियातन गुसलखाना और बैतुल खला भी देख लिया, अंजू कहीं ना थी। अब माई पंखी को तश्वीश हुई, इसने परेशानी में दो तीन चक्कर सहन के लगाए। सहन में नीम की जर्द पत्तियां फैली हुई थीं। इसने सहन के दरमियान रुककर नीम के पेड़ पर नजर डाली, गुस्से में कुछ बड़बड़ाई और एकदम जोर से चीखी, अंजू तू कहाँ मर गई? कोई जवाब ना आया। वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी, हंडिया के पानी में उबाल आ गया था। इसने लकड़ियां पीछे करके आग मध्यम की और एक जलती लकड़ी हाथ में पकड़कर सहन में आई। जलती लकड़ी से इसने मुसलस नुमा एक हिसार खींचा, फिर चप्पल उतारकर इस हिसार में बैठ गई। जलती लकड़ी अब भी इसके हाथ में थी। इसने मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बड़ाते हुए तीन बार लकड़ी जोर से जमीन पर मारी। इसी वक्त अंजू छत से नीचे कूदी और इसके सामने आकर बैठ गई। माई पंखी ने अंजू की लाल आंखों में नजरें गाड़ दी। अंजू की आंखों में इसे जिस शख्स की तस्वीर नजर आई इसे देखकर खुद माई पंखी की आंखों में खून उतर आया। जिस वक्त माई पंखी हवालात में एक हाथ आंखों पर रखे लेटी थी और कव्वे पूरे थाने में एक हंगामा किए हुए थे, तब वो यहाँ आया था। वो जादू टोने और अमलियात का माहिर था। वो बाकायदा माई पंखी का शागिर्द ना था, लेकिन जब भी उसे ज़रूरत होती वो माई पंखी से मशवरा लेने आ जाता था। बचपन में चेचक निकलने से इसकी एक आँख ज़ाया हो गई थी। वो एक आँख का था और इसकी एक आँख में दुनिया भर का मैल भरा था। बे औलाद औरतों को अपने जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करता, फिर इन मत मारी औरतों को ऐसे अमल बताता कि वो दीन की रहती ना दुनिया की। वो इंतहाई शातिर शख्स था, मौका परस्त और चक्करबाज। इसका नाम चक्रम था। सुबह जब वो माई पंखी के घर पहुंचा तो खिलाफ तवक्को माई पंखी को गायब पाया। दरवाज़ा खुला था। दरवाज़ा खुला होना कोई हैरत की बात ना थी, हैरत की बात ये थी कि घर खाली पड़ा था। चक्रम माई पंखी से एक बे औलाद औरत के सिलसिले में मशवरा करने आया था। एक अमल के सिलसिले में इसे माई पंखी की इजाज़त भी दरकार थी। इसने पूरा घर देख लिया, माई पंखी घर में मौजूद न थी। चक्रम ने सोचा कि शायद माई पंखी कहीं आसपास गई हो, लिहाजा वो इसके इंतज़ार में चारपाई पर बैठ गया। वक्त गुजारी के लिए इसने चर्स भरी सिगरेट जेब से निकाली और सुलगा कर गहरा कश लिया। तब इसकी नज़र काले मुँह की सफ़ेद बिल्ली पर पड़ी। वो अभी कमरे से निकली थी। इस बिल्ली को चक्रम ने एक आध बार इस घर में देखा था, लेकिन इसे ये मालूम न था कि इसका माई पंखी से कोई ख़ास ताल्लुक है। इसने अंजू को गौर से देखा तो वो एकदम इसे इंतहाई काम की दिखाई दी। एक अमल के लिए इसे एक बिल्ली की ज़रूरत थी, ये बिल्ली इसे ख़ास दिखाई दी थी। वो चारपाई के नज़दीक आकर एक पाए से अपना जिस्म रगड़ने लगी। चक्रम के शातिर जहन ने फौरन एक मनसूबा तरतीब दे लिया। वो तेज़ी से घर के बाहर भागा।
करीब की दुकान से इसने दूध का एक पैकेट खरीदा। घर वापस आया, सफ़ेद बिल्ली चारपाई के पाए से लगी बैठी थी। चक्रम ने बावर्ची खाने से एक प्याला उठाया, पैकेट खोलकर दूध प्याले में डाला, जेब से एक पुड़िया निकाली, खोलकर इसका पाउडर दूध में मिलाया और दूध से भरा प्याला सफ़ेद बिल्ली के सामने रख दिया। दूध देखकर वो उठ खड़ी हुई और फिर तेज़ी से दूध में मुँह डालकर इसे पीने लगी। बिल्ली को दूध पीते देखकर चक्रम की अकलौती आँख में नशा भर गया। तवक्को के मुताबिक सफ़ेद बिल्ली दूध पीने के बाद 5 मिनट के अंदर मदहोश हो गई। अब यहाँ ठहरना बेकार था। इसने दूध का खाली प्याला उठाया, इसे नल का खोल कर पानी से अच्छी तरह धोया, बावर्ची खाने में इसी तरह रख दिया जिस तरह रखा था। दूध का खाली पैकेट उठाकर बाहर आया। चक्रम ने अपने पास मौजूद एक कपड़े के थैले में बेहोश पड़ी बिल्ली को डाला, खाली पैकेट भी इसी में रख दिया और थैला उठाकर घर से चल दिया। चक्रम ने अपने जुर्म का कोई सबूत न छोड़ा था। बिल्ली बेहोश थी, इसलिए इसके थैले से बाहर आने का कोई इम्कान न था। घर पहुंचकर इसने थैला अपने बेड पर रखा और फिर इसे उठाकर उलट दिया। इसका ख्याल था कि बिल्ली अभी 10-15 मिनट से पहले होश में नहीं आएगी। मुमकिन है ऐसा ही होता, लेकिन उसी वक्त माई पंखी ने उसका नाम लेकर पुकारा, अंजू। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। इसने अपनी सुर्ख आंखों से चक्रम को देखा, गुस्से से मियाओं की आवाज़ निकाली और बेड से नीचे छलांग लगाने को थी कि चक्रम को चक्कर आ गया। एक कीमती बिल्ली को हाथ से निकलते देखकर इसने लपक कर दरवाज़ा बंद कर दिया और बिल्ली की तरफ बढ़ा। इससे कबल कि वो बिल्ली को पकड़ पाता, इसने बेड से छलांग लगाई। चक्रम के वहमो गुमान में भी न था कि वो छलांग लगाकर क्या करने वाली है। इसका ख्याल था कि वो इसकी पहुंच से दूर होने के लिए अलमारी पर जस्त लगाकर खुद को महफूज कर लेगी, लेकिन इसने एक ऐसा काम दिखाया कि चक्रम के हवास बाख्ता हो गए। बिल्ली ने चक्रम के चेहरे को निशाना बनाया और इस कदर फुर्ती और चाबुक दस्ती से पंजा मारा कि इसकी आंख शदीद लहूलुहान हो गई। वो आंख पर हाथ रखकर बेड पर बैठा। इतने में सफ़ेद बिल्ली खिड़की पर चढ़ी और बाहर कूद गई। ये वो वक्त था जब माई पंखी ने कुछ पढ़ते हुए जलती लकड़ी ज़मीन पर मारी थी। तब अंजू छत से कूद कर इसके सामने आ बैठी थी। अंजू का एक पंजा खून आलूद था और आंखों में चक्रम की तस्वीर नजर आ रही थी। माई पंखी को मालूम हो चुका था कि अंजू को किसने अगवा किया था और वो इसका हशर क्या करके आई है। माई पंखी ने इसे प्यार भरी नज़रों से देखा और बोली, वाह रे अंजू, तूने क्या खूब कमाल किया। माई पंखी हिसार से निकल आई और चारपाई पर आकर बैठ गई। अंजू इसके कदमों में लौटने लगी। अंजू, मैं भूखी हूँ, माई पंखी ने चारपाई से उठते हुए कहा। फिर इसने हिसार में मौजूद लकड़ी उठाई, वो बुझ चुकी थी। इसने बावर्ची खाने में पहुंचकर दोबारा आग भड़काई और पीढ़ी पर बैठकर अंजू का इंतज़ार करने लगी। कुछ देर में हंडिया में मौजूद स्याह महलूल में उबाल आ गया था और अंजू मुँह में कौवा दबाए दरवाजे पर मौजूद थी। चाय पीने के बाद डॉक्टर नौशाद ने आबिर का हाथ पकड़ा और बोले, आओ बेटा। आबिर फौरन उठ गया। डॉक्टर नौशाद इसे ड्राइंग रूम में ले आया जबकि घर के अफराद डाइनिंग रूम में बैठे रह गए। आबिर की समझ में नहीं आ रहा था कि डॉक्टर नौशाद इसे अचानक महफिल से क्यों उठा कर लाया है। वो अच्छा खासा मलका के हुसन से अपने दिल का करार कशीद कर रहा था। मलका भी गाहे गाहे पलके उठाकर गहरी नज़रों से उसे देख लेती थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि डॉक्टर नौशाद ने इसकी नज़रों की चोरी को पकड़ लिया हो और अब वो अलहदगी में इसे समझाना या तंबीह करना चाहता था। आबिर ने सोच लिया था कि अब चाहे जो हो, वो किसी तौर मलका से दस्तबरदार नहीं होगा। वहाँ मामला ही कुछ और निकला। डॉक्टर नौशाद ने जो बात की वो इंतहाई खुशगुन थी। इसने ड्राइंग रूम में बैठते ही आबिर की तरफ मुस्कुरा कर देखा और बिला तमहीद बोला, बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम इस घर के दामाद बन जाओ। ये तो नेकी और पूछ पूछ वाला मामला था। आबिर तो पहले ही उधार खाए बैठा था। ये सुनते ही इसके मन में लड्डू फूटने लगे। इसने खुश होकर कहा, अंकल ये आपकी ज़रा नवाजी है। एक बात और तुमसे कहना चाहूँगा कि इस घर में 7 बेटियाँ हैं, तुम जिसको पसंद करोगे वो तुम्हारे निकाह में दे दी जाएगी। डॉक्टर नौशाद ने बड़ी फराख दिली का सबूत दिया। आबिर के लिए अब कोई मुश्किल ना रही थी। अब तक वो जिन मराहिल से गुजरा था इनसे अंदाज़ा होता था कि ये लोग मलिका से बतौर ख़ास इसका फासला बरकरार रखना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर नौशाद के इस बयान ने इस दिल्ली को जो बहुत दूर नज़र आती थी अचानक करीब कर दिया था। लिहाजा इसने बिला तामुल इंतहाई साफ गोई से कहा, अंकल मुझे मलिका पसंद है। ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। डॉक्टर नौशाद ने दरख्वास्त मंजूर करने में ज़रा देर न की, फिर कुछ तवक्कुफ के बाद वो बोला, अब मैं चाहूँगा कि तुम अपने वालदैन को इस रिश्ते के लिए भेजो। जी अच्छा,
आबिर ने तशक्कुर आमेज लहजे में कहा, मैं घर जाते ही अपनी अम्मी से बात करूंगा। और जब रात के खाने पर आबिर ने डरते डरते नाजनीन और अली निसार से मुखातिब होकर हीरे से कहा, अम्मी अब्बू मैं शादी करना चाहता हूँ, तो ये सुनकर अली निसार मुंह में निवाला रखना भूल गए और नाजनीन के हाथ से चमचा छूट गया।